टेरेस गार्डन किचन एकदम बिरयानी। गद्वाल नाम के गांव में चावला नाम का एक ब्यास का व्यापारी के पास बहुत सारे घर थे। उसमें से एक घर खाली था। उसमें किराए के लिए कोई आए तो उनको किराया ज्यादा कहता था। उसके वजह से जो भी किराए में आते थे वो एक महीने से ज्यादा नहीं रहते थे। एक दिन चावला के घर में विजय नाम का एक आदमी किराए के लिए आया। तब चावला उससे, देखो घर का किराया 10,000 रुपए है और 3 महीने का एडवांस देना पड़ेगा। बिना टेंशन के 1 तारीख को मुझे पैसे देना होगा। 1 दिन देरी होने से भी 500 रुपए ब्याज डालकर देना पड़ेगा। क्या कहते हो? कहा। तब विजय, ठीक है सर, देता हूँ, मगर सर आपका टेरेस भी इस्तेमाल करूंगा, चाहिए तो उसका भी किराया दूंगा सर। कहा। तब चावला, टेरेस में क्या करोगे? ऊपर नीचे खुदाई करोगे क्या? पूछा। तब विजय, सर मुझे मेरे हाथों से उगाए हुए सब्जियां खाना बहुत पसंद है सर। ऊपर एक छोटा सा टेरेस गार्डन लगाऊंगा, आप भी आराम से कभी कभी आकर सब्जियां लेकर जा सकते हैं। कहा। तब चावला की बीवी पूनम, ओ जी मुझे भी सब्जियां उगाना बहुत पसंद है जी, उसको हमारा टेरेस इस्तेमाल करने के लिए बोलिए जी। बोली। तब चावला ने विजय से ठीक है कहा। उसके बाद विजय टेरेस में तरह तरह के सब्जियां उगाने के साथ साथ एक छोटा सा होटल भी लगाया। उसमें कपल्स के लिए स्पेशल एकदम बिरयानी बनाकर देने लगा। धीरे धीरे से लोग आकर उधर टेरेस गार्डन में खाते हुए एंजॉय करते हुए उधर के पौधों को देखने लगे। फिर थोड़े दिन के बाद घर में एक होटल लगाया है कहकर चावला और उसकी बीवी पूनम विजय के पास आए। तब विजय से, चावला बाप रे मेरे भाई जान, तुम्हारे बारे में कुछ और सोचा था, तुम तो मामूली नहीं हो, आसानी से किराए देकर होटल रन कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड, होटल के लिए 15,000 किराया दे दो। कहा। तब पूनम, ओ जी ये तो बहुत अन्याय है, इतना ज्यादा किराया। बोली। तब विजय, जाने दीजिए मैडम, किराए ही तो है ना, दे दूंगा सर, मेरा चतुरता से वो पैसे आसानी से कमा लूंगा, आप कोई प्रॉब्लम फील मत कीजिए। कहा। तब चावला बहुत खुश हुआ। ऐसे थोड़े दिन के बाद विजय के टेरेस के होटल में आजू बाजू के सारे औरतें आने लगे। ऐसे थोड़े ही दिन में विजय को और विजय के टेरेस होटल को बहुत पसंद करने लगे। ऊपर से कभी कभी चावला भी उधर आकर विजय के बारे में गर्व से उनको कहकर उसका बहुत तारीफ करता था। फिर ऐसे देखते देखते विजय बहुत व्यस्त बन गया। फिर 6 महीने बीतने के बाद चावला से पूनम, विजय बहुत होशियार और चतुर लगता है, हमारी बेटी का पढ़ाई खत्म होने के बाद उसको देकर शादी करेंगे जी। बोली। तब चावला, अरे वाह ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, अभी जाकर विजय से बात करते हैं, नहीं तो वो असल में ही बहुत चतुर है, कोई ना कोई उसे उठाकर ले जाएगा। कहकर उस टेरेस गार्डन में गए। वहाँ टेरेस गार्डन में कोई नहीं होने के वजह से उसके घर गए। जब उनके घर पहुँचे तो उसके दरवाजे का ताला टूट कर दिखाई दिया। घर के अंदर पूरा चीजें बिखरे हुए थे। फिर टेंशन से सब जगह देखा तो बिस्तर पर एक लेटर दिखाई दिया। उस लेटर को खोल कर पढ़ा तो पूनम, हेलो कंजूस अंकल, पागल आंटी, मैं आपका विजय हूँ, आप लोग मेरे लिए आओगे कहकर मुझे पता है, लेकिन क्या करे, आप लोग आने तक मैं घर खाली करके चला जाऊंगा ना, जाते जाते आपके घर से पैसे सोने, वैसे ही हमारी गार्डन किचन में आए हुए आंटी से करीब करीब 2 करोड़ रुपए कर्ज लेकर जा रहा हूँ। बाय आंटी, बाय अंकल, मुझे मत ढूंढिए क्योंकि मैं आपको नहीं मिलूंगा, कहकर पड़ी। उसके बाद पूनम, ओ जी हमारा पैसा और सोना चला गया, कहकर रोने लगी। तब चावला, तुम चुप करो, सब कुछ गया तो गया, अगर इसको दामाद बनाते थे तो हमें भी उसकी तरह चोर बना दिया होता। हे भगवान, हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है, अब मरने से भी ऐसे वालों को घर किराए पर नहीं देना चाहिए। कहा।